नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी, और बुक है अंतरा। और आज की जो कविता होने वाली है, जो कि एक कवित है, ठीक है, और इसका जो टॉपिक है, जो टाइटल है, जो आज की कविता है, वो है औरें भाती कुंजन में गुंजरत। ठीक है, ये जो है आपका टाइटल है, और कवि हैं इसके पद्माकर। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने मैं यहाँ पर पेश करने वाला हूँ। और इस कवित के अंदर जो आज की जो हमारी कविता है, और ये जो कवित के रूप में है, ये इसके अंदर क्या बताया गया है, वसंत ऋतु, जब वसंत ऋतु आती है तो कैसा माहौल होता है, और पर्यावरण जो हमारा वातावरण है कैसा, उसमें मतलब एक माहौल छा जाता है वसंत ऋतु के आने पर, उसका सुंदरण चित्रण किया गया है। ठीक है, वसंत ऋतु के बारे में इस कविता में बताया जाएगा आपको। तो आगे लाइनें आपके सामने मैं पढ़ूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। औरे भाति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, औरे डोरे झोरन पे बोरन के है गए। अब ये यहाँ पर बताते हैं पद्माकर कि वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति जो है हमारी, उसमें उसकी जो सुंदरता होती है उसमें वृद्धि होने लगती है। जब वसंत का मौसम आता है तो जो प्रकृति होती है वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। और वसंत ऋतु जो है उसको कवि पद्माकर ने ऋतुराज कहा है, मतलब ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु क्या है? ऋतुराज। और वसंत ऋतु के आते ही जो भौरे होते हैं वो क्या करते हैं, गुंजन करने लगते हैं, और बाग बगीचों में तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं, और बोर आने लगते हैं। ठीक है, आगे हैं, कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छुए गए। औरे भांति बीहक समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दुए गए। अब आगे यहाँ पर पद्माकर बताते हैं कि वसंत के आने से जो मन और शरीर है उसमें उत्साह का संचार होने लगता है, एक अलग ही खुशी होती है मनुष्य को जब ये वसंत ऋतु आती है। और वसंत ऋतु एक अलग ही प्रकार का चमत्कार पूर्ण प्राकृतिक परिवर्तन तथा सौंदर्य साथ लेकर आती है, कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति जो है उसमें ऐसा चमत्कार के रूप से मतलब एक परिवर्तन होता है, और सौंदर्य सुंदरता बढ़ जाती है प्रकृति की। और वसंत ऋतु को आए हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, ठीक है, और अभी से ही प्राकृतिक सौंदर्य मन को लुभाने लगा है, कि वसंत ऋतु के आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और प्रकृति जो है आसपास की वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है। आगे हैं, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन और बन है गए। अब आगे यहाँ पर ऋतु जो ये वसंत ऋतु के बारे में बताते हुए पद्माकर जी कहते हैं कि जब वसंत का सौंदर्य अपने चरम शिखर पर होता है, जब बहुत सुंदरता आ चुकी होती है वसंत के मौसम में, तो उसकी सुंदरता और अलग ही प्रकार से लगने लगती है, मतलब एक और ही प्रकार से लगती है, अलग ही प्रकार से मतलब सुंदरता उसकी दिखने लगती है, जिसको देखकर तन मन प्रसन्न हो उठता है, हमारा तन और मन दोनों खुश हो जाता है ऐसी सुंदरता वसंत ऋतु की देखकर। तो ये यहाँ पर वसंत ऋतु जब आती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, और इसमें वसंत ऋतु में किस प्रकार फूल और आप कह सकते हैं बोर जब उगते हैं, और यहाँ पर पंछी भौरे, इन सब के बारे में एक सुंदर वातावरण का यहाँ पर चित्रण जो है पद्माकर जी ने किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको विशेष बताऊंगा इस कविता का, कि ये जो कविता मैंने आपको पढ़ाया है ये वसंत ऋतु का मनमोहक वर्णन किया गया है, मन को मोह लेने वाला वर्णन है जो ये वसंत ऋतु, काफ़ी अच्छा वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। और इस कविता की भाषा ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा में लिखा गया है। इस कवित में गीता है, संगीतात्मकता है, इसको गाया जा सकता है, इसमें लय है। और अलंकार की अगर बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार का 2 जगह पर अच्छा प्रयोग हुआ है, भीर भोरे और छलिया छबीले छैल, इन 2 जगहों पर अच्छा प्रयोग यहाँ पर अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का देखने को मिलता है। और इस कवित में प्रकृति का चित्रात्मक वर्णन किया गया है, मतलब जब आप इस कविता को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो आपके मन में एक चित्र बनने लगता है कि किस प्रकार से सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर कविता समाप्त होता है जो पद्माकर जी का। इसके बाद दूसरा जो है आपका जो कविता, आपको दूसरी कविता पढ़नी है, वो जल्द आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में जो डाउट है आप लिख सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद।